प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद आप पहली बार इलाहाबाद पहुंचे हैं, आप भूतपूर्व आपका स्वागत हुआ है, हनुमान मंदिर भी आप पहुंचे, स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है अध्यक्ष बनने के बाद, क्या रणनीति है और किस तरह से इस चुनाव को मिशन को फतेह करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय पर संगठन ने सुनियोजित योजना बनाकर पार्टी के स्ट्रक्चर को निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है। आज काशी क्षेत्र के 14 जो हमारी जिला इकाइयां हैं उनके 250 से ज्यादा अधिक दायित्व धारक उसी पर मंथन दिन भर करते रहे, जिसका अभी मैंने समारोह किया। हम स्थानीय निकाय के क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र के जनजीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ केंद्र और राज्य सरकार की शहरी क्षेत्र में जो नीतियां निर्धारित है उसका क्रियान्वयन करने की जनसेवा की योजना के साथ अपने संगठन तंत्र की पूरी योग्यता क्षमता का पूरा इस्तेमाल करते हुए 100% रिजल्ट में बदलने की कोशिश करेंगे। यह हमारी रणनीति है और हम सफलता करके दिखाएंगे। आप आएंगे चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आएंगे? चुनाव में जो शहरी जनजीवन है, नगरों में सफाई की व्यवस्था, नगरों में सीवर की व्यवस्था और बेहतर कैसे की जाए, नगर के अंदर उनका जो पेयजल की व्यवस्था, ये जो नगरीय जनजीवन की प्रारंभिक आवश्यकता है वो हमारी प्राथमिकता में होगा। साथ में शहरी विकास की जो केंद्र सरकार की और योजनाएं हैं जो विगत 3 वर्षों में हम लोग लागू करने की कोशिश करके भी सफल नहीं हुए उसे और बेहतर अंजाम देंगे, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। अपराध पर क्या हुई है? चुनाव आवंटन में चुनाव में चयन के भारतीय जनता पार्टी के अपने मापदंड रहते हैं और उसके लिए सारी सिस्टम हमारे समन्वयक प्रभारी नगर निगमों के प्रभारी सब कुछ हम लोगों ने निर्धारित कर दिए। अब आगे पार्टी ने गाइडलाइन भी दे दी है, उस गाइडलाइन के आधार पर निर्वाचन की लिए प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं के चयन का प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जीरो टॉलरेंस करेंगे, लेकिन लगातार अपराध हो रहे हैं, आज ही इलाहाबाद में हत्या हुई है, कहां चूक रह गई है कि प्रशासन कुछ दुरुस्त नहीं है? हमें दुख है, ये बात मैं आया सुना, मुझे बहुत दुख है, मैं उन मृतक आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा हूँ और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया गया है। राज्य बड़ा है, छिटपुट घटनाओं की परिस्थितियाँ भी हम लोग संभालने की कोशिश में लगे हैं। 6 महीने का रिकॉर्ड है कि पिछली सरकारों की तुलना में अपराध पर बहुत अच्छा नियंत्रण हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने पाया है। जीरो टॉलरेंस करेंगे, लेकिन लगातार अपराध हो रहे हैं, आज ही इलाहाबाद में हत्या हुई है, कहां चूक रह गई है कि प्रशासन कुछ दुरुस्त नहीं है? हमें दुख है, ये बात मैं आया सुना, मुझे बहुत दुख है, मैं उन मृतक आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा हूँ और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया गया है। राज्य बड़ा है, छिटपुट घटनाओं की परिस्थितियां भी हम लोग संभालने की कोशिश में लगे हैं। 6 महीने का रिकॉर्ड है कि पिछली सरकारों की तुलना में अपराध पर बहुत अच्छा नियंत्रण हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने पाया है। विकास की अधिकारी जो है सिर्फ फोटो सेशन चल रहा है, विकास कहीं जमीनों पर उतरा नहीं है, सड़कों की हालत बहुत खराब है, खासतौर से बहुत खराब है, क्या कुछ हमारी कठिनाइयां थी जो उसे काफी हद तक दूर कर लिया गया है। मसलन जैसे हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय के फैसलों को लागू करने में कुछ गिट्टी बालू की दिक्कतें आई, ये भी सड़कों के निर्माण में अवरोध हुआ और कुछ मानसिकता भी बाधा है, पीछे एक 15 वर्ष की कार्य संस्कृति भी बाधा है, लेकिन अब सब चीजों पर उसका पूरा का पूरा सिस्टम ठीक करने का सारा तंत्र खड़ा कर लिया गया है और निकट भविष्य में आपको बेहतर विकास दिखलाई पड़ेगा। भाजपा के ही कार्यकर्ता चाहिए, पुराने समय के अधिकारी जमे हुए हम लोग पुराने नए के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं। जो अधिकारी अगर प्रामाणिकता से अपनी ड्यूटी निभाएगा, चाहे पुराना हो या नया हो या कल का आया हो, उसे उत्तर प्रदेश शासन में काम करने का पूरा अवसर मिलेगा। लेकिन यदि कोई अधिकारी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के और एक साफ सुथरी सरकार के साफ सुथरे काम के संग कदम नहीं मिला सकता, वो भ्रष्टाचार के अपने लोभ संपन्न नहीं कर पाएगा
तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हमारी सरकार सख्त रहे। आकलन क्या करते हैं, क्या सफलता मिलेगी स्थानीय निकाय के चुनाव में? हम आकलन हमारा है कि हम बहुत 100% रिजल्ट के नजदीक पहुंचेंगे, विरोधी दल हमें स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। जरा सा क्या भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन का पुराना मापदंड बना हुआ है, उस मापदंड के अनुसार पार्टी की टीमें गठित कर दी गई और उसके आधार पर जैसे हमारे यहाँ विकेंद्रित व्यवस्था कर दी गई है, क्षेत्र समितियां हैं, हमारी ही पार्टी में 6 क्षेत्रों में पार्टी की इकाइयां बटी हुई हैं और 6 क्षेत्र अपने आप में संगठन का स्थानीय तंत्र मजबूत तंत्र है, सक्षम लोग उन क्षेत्रों को देख रहे हैं, तो क्षेत्र नगर पंचायतों का निर्णय उनके स्तर से होगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन का पुराना मापदंड बना हुआ है, उस मापदंड के अनुसार पार्टी की टीमें गठित कर दी गई और उसके आधार पर जैसे हमारे यहाँ विकेंद्रित व्यवस्था कर दी गई है, क्षेत्र समितियां हैं, हमारी ही पार्टी में 6 क्षेत्रों में पार्टी की इकाइयां बटी हुई हैं और 6 क्षेत्र अपने आप में संगठन का स्थानीय तंत्र मजबूत तंत्र है, सक्षम लोग उन क्षेत्रों को देख रहे हैं, तो क्षेत्र नगर पंचायतों का निर्णय उनके स्तर से होगा। पार्षद का निर्णय भी अहम रूप से वो करेंगे, उनके चेयरमैन नगर निगमों के पार्षद और नगर निगमों के मेयर्स के पदों पर प्रदेश नेतृत्व निर्णय लेगा, उसके लिए भी प्रभारी और सारी टीमें गठित कर दी गई हैं, चुनाव घोषित होते ही उनकी सक्रियता सामने हो जाएगी। अभी वो सब टीमें कार्यरत हैं, संगठन की इकाइयों को गति देने में लग गई। राम मंदिर को लेकर पार्टी जो हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है, राम मंदिर को लेकर क्या स्टैंड है? पार्टी का एजेंडा है सबका साथ सबका विकास और ये घोषित एजेंडा है और पार्टी ने राम मंदिर पर भी अपना मत हमेशा स्पष्ट रखा है। राम मंदिर हमारी आस्था का, हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और उसके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा है। जहां तक उसके निर्माण का विषय है, हमने पार्टी के घोषणा पत्र में भी कहा था कि कानून सम्मत तरीके से राम मंदिर के निर्माण में हम सब पहल करेंगे। पर्यटन में ताजमहल शामिल है, लेकिन शामिल नहीं था बाद में हो रहा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर्यटन में ताजमहल शामिल है, ताजमहल हमारे उत्तर प्रदेश की शान है और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जब पहली हमारी कल्याण सिंह की सरकार थी उसके पहले इस देश के अंदर ताजमहल को राजस्थान वाले कैश करते थे, ये ताजमहल राजस्थान के अंदर है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सरकार के मुखिया कल्याण सिंह और तत्कालीन पर्यटन मंत्री कलराज मिश्र ने जब सारी पहल की तब जाके साबित हुआ कि उत्तर प्रदेश में ताजमहल है, वरना वर्ल्ड से आने वाले विश्व से जो यात्री है वो ताजमहल को राजस्थान के मैप में लेकर के आते थे। ताजमहल के प्रति हमारा सदैव यह भाव है, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ही गर्व और सम्मान और आकर्षण का विषय है, सरकार उसके प्रति कोई दुराव नहीं करेगी।